हेलो दोस्तों, अहाना किचन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको मार्केट जैसा मीठी दही बड़ा बनाना सिखाऊंगी। इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले उड़द दाल को हमें एक होल नाइट भिगो कर पानी में रखना है। अभी ये मैं भिगो की कर रखी थी। अभी देखिए कितना अच्छे से ये हो गया है। अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे, वो भी बिना पानी दिए। अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। एक बार देखिए, अभी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। कितने अच्छा ग्राइंड हो गया है, पानी भी नहीं दी हूँ। और इसे एक ढक कर 2 से 3 घंटा रख लेंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए और इससे दही बड़ा हम लोगों का मुलायम नरम होगा। तो चलिए 2 घंटा हो गया है। अब यह हम लोग इसको सबसे पहले इसमें स्वाद अनुसार नमक और हमें सोडा डालना है। इसे अच्छे से मिलाना है दोस्तों। इसे जितना अच्छे से हम लोग मिलाएंगे, हम लोग का बड़ा उतना अच्छा होगा और उतना नरम होगा। तो हमें इस तरह से उसे पूरी अच्छी तरह से अपने हाथों से मिलाना होगा ताकि ये अच्छे से बन जाए। देखिए कितना अच्छे से बन रहा है, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ उठा के। देखिए कितने अच्छे से हुआ है। इस तरह कीजिए। फिर इसमें हम लोग कटा हुआ हरी मिर्ची और कद्दूकस हुआ आम अदरक डालेंगे। आम अदरक से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए ये अभी मिक्स कर लिए हैं इसे अच्छे से। अब फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ाएंगे, में ऑयल डालेंगे और देखेंगे ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए दोस्तों, अभी ऑयल गर्म हो चुका है, ये ऊपर आ रहा है बुलबुले भी इसमें। अभी हम इसमें बड़ा डालेंगे। और हाँ दोस्तों, बड़ा डालने से पहले आप हाथ को पानी में गीला करके डालना ताकि बड़ा आपके हाथों में चिपके ना। देखिए कितने अच्छे से हो रहा है। और इसमें अगर आप होल करना चाहें तो होल करके इस तरह से होल को नीचे तरफ करके आपको फ्राई करना होगा। चलिए हम लोग बड़ा सब कुछ फ्राई कर लेते हैं। कितना अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसे हम पानी में डाल के रखेंगे। बाकी का बड़ा भी इसी तरह बना लेंगे। और हाँ दोस्तों, इसको पानी में डाल के आपको कम से कम 30 मिनट्स तक रखना है ताकि ये अच्छे से पानी में ऑब्जर्व हो सके। देखिए हम लोग का बाकी का बड़ा भी हो चुका है। अभी हम मीठी दही बनाएंगे। ये दही और ये मैंने चीनी शुगर लिया है, इसे थोड़ा ग्राइंड किया है, हरी चटनी और ये टमाटर सॉस लिया है। देखिए दोस्तों, ये भी ऑब्जर्व हो गया अभी। पानी हो गया। अभी हम लोग मीठी दही बनाएंगे। चीनी इस पे डाल के अच्छे से मिक्स करके और इसे अपने हाथों से धीरे धीरे पानी इससे सारा निकाल लेंगे। देखिए मैंने सारा पानी बड़ा से निकाल दी हूँ। अभी हम इसे सजाएंगे। मीठी दही पहले डालेंगे। और हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ दही का इस्तेमाल कम किया है, आप चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छा भी होगा इससे। और फिर हरी चटनी से सजाएंगे। देखिए दोस्तों किस तरह से सजाएंगे। इसे सजाने के बाद आप कम से कम 1 घंटे के बाद ही इसे खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तब तक ये अच्छे से दही भी इस पर रेड्यूस हो जाएगा, मिस जाएगा इसमें। और अब हम इसे में टमाटर का सॉस डाल के इसे अच्छे से सजा देंगे। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से हो गया। अभी हम इसको 1 आवर के लिए छोड़ रख देंगे इसी तरह। अभी देखिए 1 आवर हो चुका है, मैं आपको काट के दिखाऊंगी कितना अच्छा दिख रहा है। ये चम्मच से दिखाऊंगी अपने हाथों से इसे कितना मुलायम हुआ है। और हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दही बड़ा कैसे बना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।